सो है गाइज, मैं हूँ जीटी। स्वागत है आपके ग्रीन ट्यूब के एक नए बेहतरीन एपिसोड में। आज इस वीडियो में बात करने वाले एक पीसी बिल के बारे में जो कि बिल होगा अंडर 40,000। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखते रहिएगा क्योंकि ये वीडियो होने वाली है काफ़ी हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि इस पीसी बिल को हम वर्चुअली बिल करेंगे और इसमें हम सभी को ब्रांडेड कंपोनेंट चॉइस करेंगे। ऐसा नहीं कि हम मार्केट से कोई भी एक लोकल ब्रांड का कंपोनेंट ला के इस पीसी बिल के अंदर घुसा दे। इसमें हम सभी ब्रांडेड कंपोनेंट को यूज़ करेंगे और सभी एक अच्छे क्वालिटी का होगा। तो इस वीडियो को अगर पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर देना। और अगर आपको भी इस तरह के पीसी रिलेटेड जो कंटेंट को देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा देना क्योंकि इसी चैनल में हम रेगुलर बेसिस में अपलोड करते रहते हैं पीसी रिलेटेड कंटेंट। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए हमारे पीसी बिल को बनाना शुरू करते हैं। तो इस पीसी बिल के लिए जो पहले हम इस चीज़ को चॉइस कर रहे हैं वो है हमारा मेन कंपोनेंट यानी कि प्रोसेसर। हम प्रोसेसर के लिए यूज़ कर रहे हैं एएमडी की तरफ से आने वाले राइजन 1300X प्रोसेसर को, क्योंकि इस प्रोसेसर में जो खासियत चीज़ मुझे लगा कि ये फैक्ट्री अनलॉक्ड है और ये ट्रूली क्वाड कोर प्रोसेसर है। अगर आप अपने डेस्कटॉप यानी पीसी पे आपको एक क्वाड कोर प्रोसेसर का एक बेहतरीन गेमिंग और एडिटिंग एक्सपीरियंस अपने पीसी पे चाहिए तो प्रोसेसर आपके लिए एक बेस्ट चॉइस होगा। इस प्रोसेसर में आपको देखने के लिए मिलता है 4 कोर और 4 थ्रेड। इसका जो बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी वो है 3.5 GHz तक, जिसको आप बूस्ट अप कर सकते हैं यानी कि ओवरक्लॉक कर सकते हैं 3.7 GHz तक। और इस पे आपको टोटल 10 MB का कैशिंग मेमोरी देखने के लिए मिलता है और ये बिल्ड किया गया है 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर। बेशक ये थोड़ा ओल्ड टेक्नोलॉजी है पर ये आपके पीसी बिल के लिए एक बेहतरीन काम कर देगा, आपके सारे जो नेसेसिटी को ये फुलफिल कर देगा। और इस पे आपको PCIe 3.0 का स्लॉट भी देखने के लिए मिल जाता है और ये सपोर्ट करता है M4 सॉकेट को और ये पावर कंजम्पशन करता है 65W TDP से। और इसे बिल्ड किया गया है जेन कोर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस करके और ये चलाने के लिए आपके CPU में यानी कि जो आपके मदरबोर्ड पे 2 RAM स्लॉट चाहिए और उसके लिए आपको जो RAM का टोटल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए 300 MHz के अंदर। तो इससे आपका जो काम का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, इसलिए हम इस प्रोसेसर को यूज़ कर रहे हैं हमारे पीसी बिल्ड के लिए। और अगर बात करें इस प्रोसेसर के प्राइस को, तो अगर आप किसी भी एक ऑनलाइन मार्केट या फिर एक वेबसाइट से अगर इसको परचेस करते हो तो आपको 8000 से लेकर 9000 के बीच पे ये प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पर अगर आप इसे ऑफलाइन मार्केट में परचेस करते हो देन आपको इसको लेके 7000 से लेकर शुरू करके इसको 7500 के बीच पे आपको ये ऑफलाइन किसी भी मार्केट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो इस पीसी बिल के लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इस बिल में हम यूज़ करने वाले हैं जो कि हमारा मदरबोर्ड, जहाँ पे हमारा जो प्रोसेसर सारा दिन वहाँ पर बैठ के रेस्ट करेगा। तो इस मदरबोर्ड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं आसू की तरफ से आने वाले H310ME मदरबोर्ड को, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा और ये बहुत ही ड्यूरेबल है और ये बहुत ही टिकाऊपन है। आप इसे बहुत देर तक अपने पीसी बिल में यूज़ कर सकते हो और अगर आप इसे बजट सेगमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा चॉइस है। आपको इसमें जो वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है बहुत ही अच्छा है और इस पे आपका जो प्रोसेसर उसको आप इसे ओवरक्लॉक भी कर सकते हो और M4 सॉकेट को भी सपोर्ट करता है। और इस पे आपको जो रैम सपोर्ट करता है वो DDR4 3000 MHz का जो रैम है उसको भी इसे आसानी से सपोर्ट कर लेगा। तो इस पीसी बिल के लिए ये जो मदरबोर्ड है ये बहुत ही अच्छा है। तो अगर हम बात करें इस मदरबोर्ड के प्राइस को लेके, तो ये मदरबोर्ड आपको एक ऑनलाइन मार्केट पे 5200 से लेकर 6000 के अंदर ये मदरबोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पर अगर आप इसे ऑफलाइन मार्केट पे परचेस करते हो देन आपको ये 5000 के अंदर इजीली, अगर आप एक अच्छे से बार्गेनिंग कर सकते हो तो आपको ये इजीली मिल जाएगा किसी भी ऑफलाइन मार्केट पे। तो इस पीसी बिल के लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम यूज़ करने वाले हैं जो कि हमारा रैम। तो रैम के लिए हम यूज़ करने वाले कॉर्सेल की तरफ से आने वाले विंगेंस 8GB का एक रैम स्टिक। हाँ, इस पीसी बिल में हम एक ही रैम स्टिक को यूज़ करने वाले हैं क्योंकि ये एक बजट पीसी बिल है और अगर आप अपने बजट को टाइट रह के इसको अपने पीसी को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आपको एक ही रैम स्टिक लगाना पड़ेगा। आपके पास अगर पैसे आ जाए और अगर आप नेक्स्ट इस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो आपके रैम के लिए देन आप 2 RAM स्टिक यूज़ कर सकते हो अपने मदरबोर्ड के दोनों स्लॉट को फिलअप करने के लिए। तो फिलहाल अगर आप एक बजट को लेके एक टाइट पर चल रहे हो तो देन आपको एक रैम लगाना पड़ेगा अपने मदरबोर्ड पे। इससे ही आपका जो काम है बहुत ही स्मूथली रन कर जाएगा। और DDR4 रैम है और इसका जो बेस फ्रिक्वेंसी क्लॉक है वो है 3000 MHz तक। और इससे आपका जो पेरिफेरल काम है यानी कि जो एडिटिंग और जो गेमिंग एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक आपको मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें इस रैम के प्राइस को लेके, तो ये रैम आपको कोई भी ऑनलाइन मार्केट पे यानी कि कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे 3500 से लेकर 4000 के बीच में मिल जाएगा। पर अगर आप इसे ऑफलाइन बार्गेनिंग करके बहुत ही अच्छी तरह ले सकते हो तो आपको ये आसानी से 3100 के बीच पे मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो इस पीसी बिल पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम यूज़ करने वाला है जो कि है हमारा हार्ड डिस्क। आपके जो सारे पेरिफेरल काम और जो डॉक्यूमेंट और जो सारे गेम जो रहेंगे वो रहेंगे आपके हार्ड डिस्क पे।
तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से आने वाले 1 TB का हार्ड ड्राइव, जो कि आपके काम के लिए मोर देन एनफ रहेगा इस बजट सेगमेंट पे रह के। इस पे आपको कोई भी गेम को बहुत ही आसानी से इस पर चला सकते हैं, आपको कोई भी लैग वाले इशू नहीं आएंगे। और अगर आपके पास पैसे बन जाए देना आप यूज़ कर लेना अपना जो SSD, और उस पर आपके पैसे डाल के एक नया SSD ले लेना। आपका जो मदरबोर्ड जो मैंने बताया इस पर आपको SSD बहुत ही आसानी से फिट हो जाएगा, इस पर आपको M.2 SSD फिट हो जाएगा। तो फिलहाल आपका जो बजट सेगमेंट पे रहे कि आपको एक हार्ड डिस्क लेना चाहिए 1 TB का, तो ये हार्ड डिस्क आपको एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपके गेमिंग PC में दे देगा, जिससे आप सारे काम बहुत ही आसानी से निपटा सकते हो। तो अगर हम बात करें इस हार्ड डिस्क का जो प्राइस के बारे में, तो ये हार्ड डिस्क का प्राइस आपको लगभग 2500 से लेकर 3000 के बीच पे आपको ऑफलाइन और जो ऑनलाइन मार्केट दोनों जगह पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हमारे जो PC कंपोनेंट का जो सबसे ग्लोरियस और जो सबसे डरावना डेंजरस जो असली पार्ट है, वो है हमारा ग्राफिक्स कार्ड। तो इस ग्राफिक्स कार्ड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं आर्टिक्स कार्ड सब आने वाले हमारे जो 1660 Ti ग्राफिक्स कार्ड को। ये ग्राफिक्स कार्ड आपको 1080p रेजोल्यूशन पे बहुत ही हाई रिफ्रेश रेट पे 60 FPS तक गेमिंग करवा देगा। और अगर आप इसे 720p पर अगर अपने गेम को चलाए तो आपको ये आसानी से 70 से लेकर 80 FPS आपके जो गेमिंग पे फ्रेम रेट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, और ये आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस है उसको एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। और बजट सेगमेंट पे रहेगा ये ग्राफिक्स कार्ड आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है अभी के ज़माने में भी। आपको इससे जो गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। आपका जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो आप इससे नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो रैम है वो तो है 8 GB, और आपका जो लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए मिनिमम 16 GB रैम होना ही चाहिए। तो आप लाइव स्ट्रीमिंग तो नहीं कर सकते। अगर आप रैम पे इन्वेस्ट कर दो देन आप एक अच्छा सा PC बिल देन बाद में लेके एक लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, पर अभी जो गेमिंग और एडिटिंग के लिए आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है वो आपके काम के लिए मोर देन एनफ होगा, और आपके बजट सेगमेंट पे रह के ये आपको एक बेहतरीन टॉप क्लास का जो एक्सपीरियंस है आपको करवा देगा आपके गेमिंग स्किल पे। चीज़ इस PC बिल में हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है हमारा पावर सप्लाई। एक आम सा बंदा इस PC बिल के जो पावर सप्लाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, पर इस सारे कंपोनेंट को एक अच्छे से पावर सप्लाई ज़रूर से चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ब्रांडेड पार्ट है। और अगर इस पे आपको सही से पावर नहीं दे, इसका अगर कोई वोल्टेज पे अप डाउन और कोई गिरावट हो जाए तो आपका जो PC कंपोनेंट पूरा जल जाएगा, और आपका जो PC बिल पूरा बर्बाद हो जाएगा, आपका पैसा तो लॉस्ट हो ही जाएगा, आप सह नहीं सकते। तो इसके लिए आपका जो पावर सप्लाई उसको बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो इस पावर सप्लाई का हम यूज़ कर रहे हैं कि RTX की तरफ से आने वाले 500W TDP का जो साइलेंट गेमिंग पावर सप्लाई है, उस पावर सप्लाई का हम यूज़ करने वाले हैं। जो पावर सप्लाई मैंने पिछली वीडियो पे, यानी कि जो 1300X का जो 30,000 के जो PC बिल्ड है उसमें मैंने बताया था, उस पावर सप्लाई को हम इस वीडियो में भी यूज़ करने वाले हैं। ये पावर सप्लाई मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है, और इससे आपका जो सारे कॉम्पोनेंट है बहुत ही आसानी से पावर अप होता है, और आपका जो गेमिंग पीस पे कोई भी ओवरलोड नहीं होता। तो ये पावर सप्लाई मेरे चॉइस से एक अच्छा सा चॉइस आपके बजट सेगमेंट में रहकर आपके जो PC बिल में हो जाएगा। तो अगर हम बात करें पावर सप्लाई के प्राइस को लेके, तो मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको ये पावर सप्लाई किसी भी ऑनलाइन स्टोर से नहीं लेना, आपके ऑफलाइन स्टोर से ही लेना है। तो आपको बहुत ही आसानी से 2000 के बीच में ये पावर सप्लाई आपको बहुत ही आसानी से कोई भी ऑफलाइन मार्केट पे मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे जो लास्ट कॉम्पोनेंट, यानी कि हमारे कैबिनेट पे, जहाँ पे हमारे जो सभी महंगे महंगे जो कॉम्पोनेंट हमारे PC बिल के वो जाके वहाँ पर रेस्ट करेंगे। तो इस कैबिनेट के लिए हम यूज़ करें थार सर्कल की तरफ से आने वाले फोनिक्स 80X हमारा जो मिड टावर केसिंग का जो कैबिनेट है, उस वो वाला जो कैबिनेट हम इस PC बिल में यूज़ करने वाले हैं। ये PC बिल में जो कैबिनेट बहुत ही चार चांद लगाने, क्योंकि इसमें आपको देखने के लिए मिलता है 4 8 GB लाइट दोनों ऊपर और दोनों साइड पे फ्रंट पैनल पे, जो कि आपका जो गेमिंग रूम है, आपका जो CPU और पूरा जो पेरिफेरल है आपका PC बिल में, उसको एक चार चांद लगा देगा। और इसका जो ब्यूटीफुल लुक है, आपका जो रेनबो लाइट आपको इसमें 8 GB लाइट देखने के लिए मिल जाएगा, वो तो देख के आपको मन बहुत ही खुश हो जाएगा। तो बजट सेगमेंट पे रह के ये जो कैबिनेट आपको मिल रहा है, ये बहुत अच्छी डील आपको मिल रहा है। तो अगर बात करें इसके प्राइस के बारे में, अगर आप इसे कोई भी ऑनलाइन स्टोर या फिर किसी वेबसाइट से परचेस करते हो, देन आपको पड़ जाएगा मिनिमम 5000 तक आपका जो प्राइस है वो लग जाएगा। पर अगर आप इसे बहुत ही अच्छी तरह बार्गेनिंग कर सकते हो, तो आपको किसी भी ऑफलाइन मार्केट पे 5000 के बीच पे ये जो कैबिनेट है, मिड टावर कैबिनेट आपके गेमिंग PC के लिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यही था हमारा जो ओवरऑल जो PC बिल है। आशा करते हैं ये PC बिल आपको अच्छा लगा। अगर हम इसको जो टोटल निकाल ले, अगर हम इसका जो प्राइस को अगर मिला ले, तो आपको ये लगभग 44 के अंदर मिल जाएगा। पर अगर आपको इसे बजट
से थोड़ा सा क्रॉस करके अच्छे से पीसीबिल बनाना है, देन आपको थोड़ा सा पैसे को इन्वेस्ट करके एक अच्छे से पीसीबिल बनाना होगा। तो नेक्स्ट जो पीसीबिल हम बात करेंगे वो होगा 50,000 के अंदर, जो पीसीबिल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर से लाइक कर देना, और अगर इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्पफुल चीज़ जानने के लिए मिला तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल में हम डालते रहते हैं रेगुलर बेसिक के रिलेटेड जो कंटेंट इस चैनल पे हम डालते रहते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं एक नया वीडियो के, तब तक के लिए अलविदा और स्टे सेफ।